हेलो एवरीवन, टीडी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास एक फॉर्म है, हमें यहाँ पे क्या करना है कि सेलेक्ट ऑप्शन पे हमें ये टेक्स्ट की वैल्यू चेंज करनी है और इनपुट हमारा सेम रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अर्बन अगर सेलेक्ट करूँ तो ये हमारा टेक्स्ट जो है कि अर्बन एड्रेस आ जाए, और अगर हमें रूलर सेलेक्ट करूँ तो हमारे यहाँ पे टेक्स्ट चेंज होके रूलर एड्रेस आ जाए और इनपुट हमारा सेम रहेगा। तो आइए देखते हैं इसे हम रिएक्ट में कैसे करते हैं। तो चलते हैं, ये देखिए ये हमारा ये यूआई बना हुआ है, हमारा चेंज टेक्स्ट नाम का एक कंपोनेंट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारा एक फॉर्म है, ये हमारा फॉर्म है, फॉर्म के अंदर देखिए यूजर नेम और जो है कि ईमेल, और यहाँ पे देखिए ये हमारा ड्रॉप डाउन सेलेक्ट का ऑप्शन है अर्बन और रूरल, जिनकी वैल्यू है 1 और 2, और उसके बाद है फुल एड्रेस। ये हमारा इनपुट सेम रहेगा। हम कभी कभी जब फॉर्म बनाते हैं तो हमें हमारी एक ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, उसमें हमें टेक्स्ट की वैसी वैल्यू चेंज करनी है और हमारा इनपुट सेम रहेगा। तो आइए देखते हैं, और ये हमारा सबमिट सबमिट बटन का ड्यू है, और ये हमारा यहाँ पे फॉर्म जो है कि क्लोज हो रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे यूज स्टेट, एक मैंने कांस्टेंट लिया, और यहाँ पे शो टेक्स्ट नाम का एक कांस्टेंट लिया, और यहाँ पे मैंने सेट किया सेट शो टेक्स्ट। ये देखिए यूज स्टेट, और यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो है कि बाय डिफ़ॉल्ट फुल एड्रेस मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हम चलते हैं सेलेक्ट ऑप्शन पे, यहाँ पे हम लेंगे ऑन चेंज, हम यूज़ करेंगे ऑन चेंज, और यहाँ पे हैंडल टेक्स्ट, यहाँ पे हम पैरामीटर पास करेंगे क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू चाहिए इस सिलेक्ट ऑप्शन की। तो चलते हैं हम यहाँ पे, अब इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। आइए देखिए कॉन्स्ट इक्वल टू और यहाँ पे हम पैरामीटर पास करेंगे। तो आइए देखते हैं, अब मैंने यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लिया गेट वैल्यू इक्वल टू ई डॉट गेट डॉट वैल्यू, जब जब हम सेलेक्ट करेंगे उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ से गेट कर लिया। देख लेते हैं हमें कंसोल में क्या मिल रहा है। ये देखिए कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और ये गेट वैल्यू। देखते हैं हम कंसोल पे हमें क्या मिल रहा है। इसको मैंने रिफ्रेश किया, चलते हैं कंसोल पे, ये देखिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे अर्बन सेलेक्ट किया, देखिए इसकी वैल्यू हमें 1 मिल गई और रूलर पे 2 मिल गई, और यहाँ पे सेलेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हमें वैल्यू मिल गई है, और वैल्यू के ऊपर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। आइए देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इस लाइन को मैं अभी के लिए हटाता हूँ। यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया कि गेट वैल्यू इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे एक मैंने कांस्टेंट लिया, कांस्टेंट में शो नाम का एक वेरिएबल लिया, और यहाँ पे पहला है हमारा अर्बन, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया अर्बन एड्रेस, और इसको मैं ये जो हमने वेरिएबल बनाया है अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सेट कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे सेट कर दिया शो नाउ। अब यहाँ पे अब हम देखिए फिर एल्स इफ
इसी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे अर्बन के जगह रूलर हम लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कांस्टेंट सेट हो जाएगा और यही वैल्यू हम जो है कि यहाँ पे पास करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, टू। और फिर यहाँ पे हो जाएगा एल्स में, सॉरी, और एल्स में हो जाएगा हमारा फुल एड्रेस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारा ये सारी वैल्यू जब ऑन चेंज होगी तो हमारा स्टेट चेंज होता रहेगा। और यहाँ पे आके हम यहाँ पे कॉल करेंगे, कहाँ पे, ये देखिए जो फुल एड्रेस है इसके जगह हमें टेक्स्ट, इसको सिर्फ टेक्स्ट चेंज करना है, कंट्रोल भी, सो टेक्स्ट को हम यहाँ कॉल करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं, चलते हैं, इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट फुल एड्रेस आ रहा है। अब हम यहाँ पे अर्बन पे जाते हैं, ये देखिए हमारा अर्बन टेक्स्ट हो गया। ऐसे हम रूलर पे जाएंगे तो हमारा रूलर एड्रेस हो जाएगा। तो कभी कभी आप फॉर्म बनाएंगे तो आपको ऐसी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।